नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल विकी इंडिया। दोस्तों, प्रकृति के द्वारा भारत के विशाल और घने जंगल सरीसृपों को अनुकूल निवास स्थान प्रदान करते हैं। भारत में सांपों की लगभग 270 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 50 प्रजातियां ही विषैली हैं। इनमें से भी लगभग 15 प्रजातियां ऐसी हैं जो बहुत अधिक विषैली हैं और इनके काटने से मृत्यु तक हो सकती है। तो आइए जानते हैं भारत के 5 विषैले सांपों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडियन कोबरा। भारत में पाए जाने वाले इंडियन कोबरा सांप सभी सांपों में जहरीला सांप है। इसे भारत में नाग के नाम से भी जाना जाता है। भारत में ये सांप सभी इलाकों में पाया जाता है। इसके काटने से बच पाना बहुत मुश्किल है। एक वयस्क नाग की लंबाई 1 मीटर से 1.5 मीटर तक हो सकती है। इंडियन क्रैट। इंडियन क्रैट सांप एक बार में इतना जहर उगलता है कि इसके एक बार काटने से 60 लोगों की जान जा सकती है। इस सांप की 12 प्रजातियां हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसके काटने से सालाना करीब 10,000 लोगों की मौत हो जाती है। रसेल वाइपर। रसेल वाइपर वैसे तो इंडियन क्रेट से कम जहरीला होता है। यह भूरे रंग का सांप होता है और इस पर काले रंग के धब्बे होते हैं। इसकी फुफकारने की आवाज़ काफ़ी तेज होती है, जिसे 5 से 20 फुट तक सुना जा सकता है। करैत। करैत सांप पतला और काले रंग का होता है। इस काले रंग के साथ साथ इसकी चमड़ी पर सफ़ेद रंग की धारी भी होती हैं। करैत काफ़ी जहरीले सांपों में से एक है और इसके काटने के बाद इंसान का बच पाना नामुमकिन है। सा स्केल्ड वाइपर। इस सांप की लंबाई छोटी होती है, पर इसकी फुर्ती, तेजी और आक्रामकता इसे बेहद खतरनाक बना देती है और इसका असर घातक और जानलेवा होता है। यह काफ़ी विषैला होता है और इसके काटने के बाद बच पाना नामुमकिन होता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल से ऐसी ही रोचक जानकारियाँ पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को फ्री सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।